बहुत भाई सुनने में आया है लोगों ने उपहास किया है, लोगों ने तंज कसा है कि आप क्यों कंपेयर करते हैं भारत को अमेरिका से, क्यों नहीं करूं? जो बेहतर होता है आप उनसे ही कंपेयर करते हो या जो आपसे बेहतर नहीं होता उनसे कंपेयर करते हो? आपके बच्चों की रिपोर्ट कार्ड आती है स्कूल की तो आप किससे कंपेयर करते हो, जो आपके बच्चों के ऊपर है या जो आपके बच्चों के नीचे है? सब चाहते हैं जो भारत में रहते हैं और जो भारत में नहीं रहते हैं कि भारत नंबर एक देश बने, और आपके नेताओं के खोखले वादों से कभी भी भारत नंबर एक देश नहीं बन सकता, कभी भी। और खेल जगत एक ऐसा जगत है जहां पे भी सुपर पावर जो होता है ना, उसको वहां भी अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है, सिर्फ असले में नहीं, चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो। एक बात मैं आप लोगों को सही सही बता देता हूं, जब तक आप लोगों को चुनने की तमीज नहीं आएगी ना, जो सांसद आप लोग चुनते हो 543 सांसद, तब तक हिंदुस्तान के कभी भी पदक चीन और अमेरिका के बराबर नहीं आ सकते। अमेरिका में तो जो ब्रॉन्ज के पदक होते हैं ना, उसकी तो चर्चा भी नहीं होती है। तो आप लोग सोचिए, आज अपने कितने पदक आए हैं, 4-3 हैं, उसमें इतना हल्ला हो गया। जिस दिन 100 पदक आ जाएंगे उस दिन क्या होगा, ईद और दिवाली मनाई जाएगी पूरे देश के अंदर। और ये जो बच्चे जीते हैं ना, वो आप भी जानते हैं, वो आप भी जानते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, कौन से अमीर, कौन से कॉरपोरेट घरानों के बच्चे। ये ना तो कोई ओलंपिक में जाते हैं, ना ये फौज में जाते हैं, ना ये जितने भी नेताओं के बच्चे हैं, किसी को तो मैंने ओलंपिक में देखा नहीं, किसी भी नेताओं के बच्चों को फौज में देखा नहीं। और आप लोग इन नेताओं के आसपास घूमते रहते हैं, इनकी ही तूती बजाते रहते हैं, इससे हासिल क्या होता है मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। तो भैया, जब तक आपको अपना संसद सही लोगों के साथ संसद नहीं भरेगा, जब तक देश की झोली में पदक नहीं भर पाएंगे, ये बात 100 में 100% है। मुझे याद है पिछले ओलंपिक्स में विजय गोयल जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तब का मेरा वीडियो है, तब मैंने बोल दिया था कि ये जो ओलंपिक होने वाला है तब भी भारत के 10 पदक नहीं आने वाले। इसमें गलती इनकी नहीं है, ये लोग कोई पैराशूट से नहीं उतरे, इनको आपने चुना है भाई, इनको आपने चुना है। बड़े शर्म की नहीं लगती आप लोगों को बात की, 135 करोड़ लोग उसमें अपने, मतलब इसके तो 5 पदक भी नहीं आते, स्वर्ण 5 पदक, गोल्ड मेडल 5 भी नहीं आते, शर्म की बात नहीं है? जितनी भी स्पोर्ट फेडरेशन है ना हिंदुस्तान में, जितनी भी, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे कोई भी हो, सारे करप्ट भ्रष्ट लोग बैठे हुए, सारे करप्ट भ्रष्ट लोग। मैं आपको एक कहानी बता देता हूं, ये कंफर्म कर लीजिएगा एनडीटीवी के अंदर आर्काइव में। ये 2016-17 की बात है, कोई प्रोग्राम आ रहा था एनडीटीवी पे, उनकी एंकर थी निधि कुलपति। लाइव प्रोग्राम के अंदर हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन वाले बहस कर रहे थे, और एक जो थी वो काम करती थी नौकरानी का, और ऐसे कितने ही वीडियो अपन लोगों ने देखे हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में अपने बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, अल्टीमेटली वो किसी के वहां पे घर में कटका लगा रही है। लाइव प्रोग्राम में मैंने वो जितने पैसे दे रहे थे ना रेसलिंग फेडरेशन वाले, उससे 10 गुना पैसे लाइव प्रोग्राम पे मैंने अनाउंस किया था। मेरी फोटो आई थी एनडीटीवी आधे पे स्क्रीन पर, और इसकी गवाह है निधि कुलपति एनडीटीवी की, पूछ लेना उनसे आप। बड़े शर्म की बात है यार, बड़े ही शर्म की बात है। इसमें इतनी ज्यादा जो होती है ना खुशियां मनाने की बात नहीं है कि हॉकी में अपन ये कर दिए, एक अपन को रेसलिंग में मिल गया, एक कोई तीरंदाजी में मिल जाता था, एक किसी में, ना 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 ना, हर एक जो खेल हो रहा है उसमें हिंदुस्तानी फाइनल में होना चाहिए, हर एक खेल के अंदर, समझे आप? तब बनेगा देश सुपर पावर, और सुपर पावर जो देश होता है ना वो अपनी सोच से बनता है। ना वॉशिंगटन बनाती है सुपर पावर, ना टोक्यो बनाता है, और ना दिल्ली बना सकता है। देश की आवाम देश को सुपर पावर बनाती है, ये बात समझ लीजिए। और इतनी शर्म की बात है कि मैंने सुना है कि कुछ खिलाड़ियों की तो जात पात आप लोग खोजने लग गए। कब निकलोगे यार इस कचरे से बाहर आप लोग, कब है? समय आ गया है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, आप लोग अभी तक जात पात हिंदू मुसलमान में ही लगे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को?
क्या आप नहीं चाहोगे जो मेरा वीडियो सुन रहा है अभी इस तरह, क्या आप नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा ओलंपिक में जाए? क्या आप नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा देश के लिए स्वर्ण पदक जीत के लाए? सिल्वर और ब्रॉन्ज की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। आई वॉन्ट इंडिया टू बी नंबर वन। और वो इंडिया नंबर वन मालूम है कब होगा? जब आप अपने आप से सच बोलने लगेंगे। जिस दिन आप अपने आप से सच बोलने लग गए, उसका उसके बाद आपका नेता भी आपसे सच बोलना शुरू कर देगा। आप अपने आप से झूठ बोलते हैं। आप लोगों की केकड़ा मानसिकता है एक दूसरे को नीचा खींचने में। आप लोग ओलंपिक में जो खिलाड़ी है ना, उनसे भी ऊपर है आप लोग। एक दूसरे को नीचे खींचना है आपको। क्यों? क्योंकि आपका जो नेता है ना, उसको सच साबित करना है। मगर आपको सच से थोड़ी ना कोई लेना देना नहीं है। तो भैया, ये ब्रॉन्ज पे और सिल्वर पे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। 135 करोड़ की जनता है अपन। 25-30 तो पदक आए अपने, तब बात बनेगी। और पाकिस्तान से मत कंपेयर कर लेना कि उसके तो जीरो है, फिर भी हमारे तो 4-5 आ गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के घूंगरू पहन के घूमते रहोगे तो दुनिया के जो अपने पदक का जो होता है ना पटल, वहां कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे। सब कहने की बात है। जय हिंद।